शेख सादी रहमतुल्ला और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। उनके बेटे ने कहा, बाबा जान सब लोग सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सादी ने कहा, अगर तुमने दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था तुम भी सो जाते। इसी तरह मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, खुदा से गाफल होकर दुनियावी ख्यालात और नुकसानी बातों में जागने से बेहतर सो जाना है। दूसरों के ऐबों को तलाश करने से अच्छा है तुम अपने अंदर की गंदगी को देखो।